तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज का जो टॉपिक है वो इसी उपलक्ष में है और इसी चीज़ पे बनाया गया है कि UKPSC JEE में कई कई बच्चे जो हैं ग्रुप्स में वो ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ़ाइनल सिलेक्शन होगा वो 680 के आसपास होगा या 690 के आसपास होगा। देखिए, जब तक फाइनल रिजल्ट आ नहीं जाता, अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बना के कुछ होने वाला है नहीं। सारा का सारा जो है रिज़ल्ट डिपेंड करता है कि वो कंबाइंड डिपार्टमेंट में सेटिंग कैसी होती है, इस पे डिपेंड करता है। अब अगर आप ये सोचने लग जाएंगे कि 690 वाला कंबाइंड में जाएगा, 680 वाला, एक तो चॉइस भी नहीं अभी पता किसकी चॉइस कैसे है, बच्चों ने क्या रखी हुई है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए, कंबाइंड में दो ट्रेडों ने आपस में लड़ाई होनी है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। अगर इलेक्ट्रिकल ज़्यादा लेता है इरिगेशन, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ होगी वो नीचे जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, क्योंकि लास्ट एग्रीकल्चर ही होगी चॉइस, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कट ऑफ डाउन जाएगी और इलेक्ट्रिकल वालों का फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी से ये सोच लेना कि इलेक्ट्रिकल कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, ये चली जाएगी, जब डिसाइड ही नहीं होगा, अब यही नहीं पता चला इरीगेशन मिलेगा किसको, वो बताएगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल को मिलता है, मैकेनिकल को मिलता है, मैकेनिकल को ज़्यादा मिल गया इरिगेशन, तो फिर इलेक्ट्रिकल वालों की कट ऑफ तो बहुत ही, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले फिर अपने आप को लगभग बाहर समझें और वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। या आपने शायद भरे भी होंगे, जैसे जिनके कम नंबर हैं, यानी कि जिनका चांस है भी और नहीं भी है, जैसे मैं हूँ UKPSC JEE एस्पिरेंट, तो मेरे 662 नंबर हैं। अब 662 नंबर में चांस है भी और नहीं भी है, ठीक है। तो मैंने बैकअप पे SSC JEE भरा है, वो इसीलिए मैंने भरा है क्योंकि एक समझदारी वाली बात होती है कि अगर आप ऐसे में हैं तो आप ऐसे भी नहीं सोच सकते कि मेरा होगा, हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले आपको स्टेट में जॉब मिलेगी। SSC JEE से ज़्यादा अच्छी जॉब है UKPSC JEE की। क्यों? SSC JEE में अगर आपकी नौकरी लगती है, SSC JEE आपको घुमाएगा, पूरा संसार दिखाएगा आपको, ठीक है। आज नॉर्थ में, कल साउथ में, परसों ईस्ट में, ठीक है, फिर कभी कहीं कभी कहीं, ठीक है। तो लेकिन UKPSC JEE में आप चाहे एक कम तबके के डिपार्टमेंट में भी जाएं, लेकिन आप एक प्रतिष्ठित पोस्ट पे जाएंगे। दूसरी चीज़, आप स्थिर रहेंगे यहाँ पे। ये इस भर्ती का सबसे बड़ा फ़ायदा था और मैंने यही देखा है कि इवन जो बच्चे सेंटर की जॉब में थे ना, जिस टाइम मैं DV कर रहा था, सेंटर गवर्नमेंट की नौकरी करते हुए लड़कों ने UKPSC JEE का फॉर्म दिया है और मैंने उनसे यही बात पूछी थी कि भाई जब तुम नौकरी करते थे तो यहाँ क्यों नौकरी डालने आए। उन्होंने यही बोला था कि सेंटर गवर्नमेंट की नौकरी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आजकल यूथ एक जगह स्टेबल होना चाहता, वो फिरना नहीं चाहता यूं, ठीक है, चरखी नहीं बनना चाहता, ठीक है। आज इधर नौकरी कर रहा है, कल पंजाब में नौकरी कर रहा है, परसों नौकरी करेगा अरुणाचल प्रदेश में, फिर उससे अगले 5 साल बाद नौकरी करेगा कहीं साउथ में, ठीक है। तो बच्चे चाह रहे थे कि स्टेट का फ़ायदा क्या होता है, स्टेबिलिटी इन द सेंस आप एक स्टेट में स्थिर रहते हैं और आपको कभी ये खतरा नहीं होता कि आज मैं यहाँ से साउथ में पोस्ट हो जाऊँगा या आज मैं यहाँ से कश्मीर पोस्ट हो जाऊँगा। बस एक बारी नौकरी लग गई उत्तराखंड में तो लग गई, ठीक है, या किसी और स्टेट में लग गई नौकरी तो लग गई। स्टेट का ये फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इस पेपर को काफ़ी एस्पिरेंट्स ने दिया था, जिनकी पहले ही नौकरी थी उन्होंने भी दिया था। हम जैसे बेरोजगारों ने ये पेपर नहीं दिया, ये जो पहले से ही सेटल्ड थे, NHPC का लड़का आया हुआ, DV फर्स्ट DV में जब मैं कराने गया था, NHPC JEE लगा हुआ लड़का UKPSC JEE देने आ रहा है, जबकि मैं उससे पूछ भी रहा, मैं तो कह रहा तो प्रॉफिट मेकिंग PSU में काम करता है तो यहाँ क्यों आ रहा है। तो बोल रहा था मेरी नौकरी लगी हुई है, भाई मैं उत्तराखंड का लड़का हूँ, मेरी नौकरी लगी हुई है अरुणाचल प्रदेश। मैं भी हैरान, उत्तराखंड के लड़के को अरुणाचल प्रदेश कहाँ दे दिया। तो सेंटर में जो पोस्टिंग होती है ना, बड़ी रैंडम होती है, साला कुछ पता नहीं होता। या कम से कम ये तो पता होता है कि भाई UKPSC है तो विद इन द UK रहेगा सब कुछ, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। हर लड़का यही बोल रहा है या हर लड़का यही सोच रहा है कि जैसे कम मार्क्स वालों का सिलेक्शन DV में हो सकता है या नहीं, जैसे मैं हो गया 662 660 65 70, तो यार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोचना, न्यूट्रल की तरह रहना है आपको इस टाइम पे।
सारा का सारा खेल डिपेंड करता है इरीगेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। और कंबाइंड में इरीगेशन मिलता किसको है, यहाँ से डिपेंड करता है, ठीक है, सारा का सारा। अगर इरीगेशन मिला इलेक्ट्रिकल को, तो इलेक्ट्रिकल के बच्चों के चांस है कि नीचे वाले भी फिर हैं, कुछ पेयजल में चले जाएंगे, कुछ एग्रीकल्चर में चले जाएंगे, तो उनके लिए फ़ायदा बहुत होगा, ठीक है। ठीक है, तो उनके लिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, और फ़ायदा इसी तरीके से होता है, ठीक है, तो वो आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा खेला जो है वो डिपेंड करता है ये वाले तरीके पे, ठीक है। तो अभी ये बोलना कि इतनी चली जाएगी फाइनल कट ऑफ, उतनी चली जाएगी, क्योंकि देखो स्केलिंग फैक्टर हमें तो करना आता नहीं, वो सारा का सारा आयोग के हाथ में है, ठीक है। अब किस तरीके से क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा का सारा डिपेंड करेगा आयोग पे, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन मुद्दा कि जिनसे यूके पीएससी जेई नहीं हो पाएगा उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें जेई की तैयारी छोड़ देनी चाहिए, कंटिन्यू रखनी चाहिए। सबसे पहले जिन जिन का डीवी में नाम आया है उन्हें जेई की तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए, भले ही आप यूके पीएससी जेई के डीवी से बाहर हो जाएं, लेकिन आप किसी और जेई में जा सकते हैं। मतलब इतना आपने प्रूव कर दिया, अगर आप डीवी में आ सकते हैं ना इतनी कम पोस्टों में, जैसे इलेक्ट्रिकल में पोस्टें हैं ना, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट सबसे कम आती है हर स्टेट में आजकल, ठीक है, और मैकेनिकल की, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में डीवी तक में आना भी आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप बाहर हो जाते हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर के हैं, ठीक है, जिनको आप भर सकते हैं। हाँ, डिसएडवांटेज आपके साथ ये रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बस ट्रांसफ़र्स होंगी और वो आपको भुगतनी पड़ेंगी पूरी ज़िंदगी अगर आपकी, क्योंकि अभी तो और कोई उत्तराखंड में जॉब लेने का ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनसे यू के पी एस सी जेई रह जाएंगे, जो रह जाएंगे वो सेंटर की तरफ तैयारी करें, वो सेंटर की कोई पहले जॉब पकड़ ले, उस जॉब को करते रहें, अगर वो मिलती है सेंटर की तो उस जॉब के साथ फिर आप पिटकुल और यू पी सी एल, मुझे लग रहा है अगली बार का जो चुनाव होगा उससे एक साल पहले पिटकुल और यूपीसीएल आपको देखने को मिल जाएगा। इस बार तो मिलेगा ही मिलेगा, जो अगला चुनाव होगा उससे पहले, ठीक है। तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के साथ साथ आप पिटकुल और यूपीसीएल की वैकेंसी का वेट करना और उसकी तैयारी करना, मतलब जो रह जाएंगे, जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो तो अपनी नौकरी करेंगे, ठीक है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ अपनी नौकरी करेंगे, ठीक है, तो उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो रह जाएंगे इस डीवी से वो फिर ऐसी तैयारी कर सकते हैं, सेंटर की तैयारी करेंगे, सेंटर का एग्ज़ाम निकाल लो, सेंटर का एग्ज़ाम निकालने के साथ साथ पिटकुल और यूपीसीएल का वेट करो भाई, ठीक है, और तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब सारा का सारा खेल मैं फिर भी बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा खेल जो होगा कि इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी लास्ट डिपार्टमेंट के लिए, वो पूरी की पूरी डिपेंड करेगी इरिगेशन में सीट किसको मिलती है। अब कौन लड़का प्रिडिक्ट कर सकता है कि इरिगेशन में सीट किसको मिलेगी, किसी को भी जा सकती है, ठीक है। तो अब दुआएं करो सारे के सारे कि इरिगेशन इलेक्ट्रिकल को मिलना चाहिए। अगर इरिगेशन इलेक्ट्रिकल को मिला तो फिर चांस ये है कि इलेक्ट्रिकल के बच्चे इरिगेशन में चले जाएंगे काफ़ी सारे, फिर पेयजल और एग्रीकल्चर के लिए जो नीचे नंबर वाले हैं उनका चांस बन जाएगा, ठीक है। तो सारा का सारा भाई फिंगर क्रॉस्ड है, इरिगेशन पे ही है सारा का सारा दारोमदार, ठीक है, ठीक है। तो अब यही है, ठीक है। अच्छा, अब रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिज़ल्ट यू के पी एस सी जेई का आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, अगर देखें तो, पर अभी तक रिजेक्शन लिस्ट ही नहीं आई, तो मई के सेकंड वीक का वेट करते हैं फाइनल रिज़ल्ट के लिए, और 30 तारीख का वेट कर लेते हैं एक बार रिजेक्शन लिस्ट के लिए। 30 तारीख तक रिजेक्शन लिस्ट आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर रिज़ल्ट तुम्हारा जून में आएगा, देख लेना। ये आयोग फिर ऐसे ही करता, लटकाता रहता चीज़ों को, ठीक है। 30 तारीख तक अगर रिजेक्शन लिस्ट आ गई तो 2 मई तक तुम्हारा रिज़ल्ट आ जाएगा, और अगर 30 तारीख तक रिजेक्शन लिस्ट नहीं आई तो फिर 2 मई तक रिजेक्शन लिस्ट आएगी, 2 वीक ऑफ मई तक रिजेक्शन लिस्ट आएगी, और मई लास्ट और जून फर्स्ट वीक में तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन
यदि रिजेक्शन लिस्ट 30 तारीख के आसपास आ जाती है तो सेकंड वीक ऑफ मई में जेई का रिजल्ट आ जाएगा। ये अभी तक की यूकेपीएससी जेई इलेक्ट्रिकल की कहानी है, यहाँ पे मैंने सिविल और मैकेनिकल को इंक्लूड नहीं किया। और मैं अभी दुआ यही कर रहा हूँ कि इरीगेशन इलेक्ट्रिकल को ही मिल जाए, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल वालों का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। बाकी और क्या कह सकते हैं, यही है कहानी, ठीक है। तो बस अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी के इर्द गिर्द घूमती है कहानी, ठीक है। तो होपफुली फ़ायदा हो आपको, पढ़ाई करें आप, इरिगेशन में डिपेंड करता है अब तो सारा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल की जो लास्ट कट ऑफ होगी, लास्ट डिपार्टमेंट की, वो कितनी जाएगी। वो ज़्यादा भी जा सकती है, अगर मैकेनिकल को इरिगेशन मिला तब तो इलेक्ट्रिकल की 680 प्लस लगाओ फाइनल के लिए भी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल को इरिगेशन मिला तो 660 के आसपास या 659 के आसपास इलेक्ट्रिकल की लास्ट में जा सकती है एग्रीकल्चर तक में, ठीक है। सारा दारों का मदार इरिगेशन पे डिपेंड करता है। धन्यवाद।